दोस्तों, सऊदी अरब रोज बा रोज नए से नए मेगा प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। सबसे पहले दी लाइन प्रोजेक्ट और उसके बाद ओक्सा को प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया और अब सऊदी अरब ने एक और नए प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसका नाम है दी मुकाब। मुकाब एक क्यूबिक शेप की बिल्डिंग होगी जो दिखने में हूबहू खाना काबा जैसी होगी। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी होगी कि इसमें 20 एम्पायर बिल्डिंग्स इजीली बन सकती हैं और सऊदी अरब ने तो इसे दूसरी दुनिया का दरवाजा भी करार दिया है। क्या फ्यूचर में सऊदी अरब वाकई ही कोई ऐसी बिल्डिंग बनाएगा जो कि खाना काबा जैसी होगी और जिसके दूसरे दरवाजे की तरफ एक अलग ही दुनिया होगी जिसको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि आप एक दूसरी दुनिया में आ गए हो। क्या आप भी डिटेल से सऊदी अरब के इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब का शुमार बहुत ही अमीर तीन ममालिक में होता है और इसके अमीर होने की वजह इसके जमीन से निकलने वाला क्रूड ऑयल है। मगर तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि ये क्रूड ऑयल चंद ही सालों में खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से सऊदी अरब का ये शाहाना लाइफस्टाइल भी खतरे में आ जाएगा, जिसकी वजह से सऊदी अरब के प्रेजिडेंट मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को एक टूरिज्म कंट्री में कन्वर्ट करना चाहते है और इसलिए सऊदी अरब रोज बरोज नए से नए प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जद्दा टावर, न्योम सिटी, ओक्सागोन सिटी और टोरजीना जैसे बड़े से बड़े मेगा प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा है जिसको विजन 2030 का नाम भी दिया गया है। 16 फरवरी 2023 को सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसे देखने के बाद हर कोई सोच में पड़ गया। इस प्रोजेक्ट को मुकाब और न्यू मुरब्बा का नाम दिया गया है। मुकाब एक अरबी जबान का लफ्ज है जिसका इंग्लिश में मतलब क्यूब है। नाजरीन, ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब के शहर रियाज में बनने जा रहा है। रियाज जो कि एक पहले से ही तेजी से तरक्की करने वाला शहर है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा जदीद शहर होगा। इस प्रोजेक्ट ने विजन 2030 में ताजा तरीन इजाफा कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाना है और एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है। ये क्यूब इतना बड़ा है कि इसके अंदर 20 एम्पायर बिल्डिंग्स खड़ी हो सकती हैं। सऊदी अरब के मुताबिक मुकाब दूसरी दुनिया का रास्ता है जिसमें एक पॉलीगोन ग्राफ है जो कि विजिटर्स को सियारों और एक जादुई दुनिया तक पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये है कि यह प्रोजेक्ट वाकई ही एक हकीकत है या फिर एक वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? अगर ये वाकई ही हकीकी है तो पब्लिक के लिए कब खुलेगा? सऊदी अरब अपने तेल के बड़े वसाइल की वजह से जाना जाता है, लेकिन अब ये मुल्क चाहता है कि हम तेल पर कम डिपेंडेंट हों और अपने मुल्क को एक टूरिज्म कंट्री पर कन्वर्ट कर दें। मुकाब का ये क्यूब इतना बड़ा है कि ये रियाज की सतह पर मुकम्मल तौर पर हावी होगा। इसका बिरूनी हिस्सा नजदी आर्किटेक्चर से बना होगा। ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल है जो कि सऊदी अरब के लोग कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और 400 मीटर ऊंचा मुकाब तकनीकी तौर पर एक सुपर टॉर्च स्क्रैपर है और ये सऊदी अरब की चौथी बुलंद तीन इमारत होगी। मुकाब की ऊंची सतह पर नुमाइश की चीजें, दुकानें, रेस्टोरेंट और मूवी थिएटर्स होंगे। कहने को तो आया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा तफरीकी मुकाम बन जाएगा। ये दुनिया भर से टूरिज्म को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगा। सऊदी अरब के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट जरूर होगा। इनके मुताबिक क्यूब अभी प्लानिंग स्टेज में है और इसकी कंस्ट्रक्शन का काम 2025 में शुरू होगा, लेकिन अभी भी इस प्रोजेक्ट पर बहुत से सवालात बाकी हैं, जैसे इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा आएगा और इसे मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को देखते हुए ये पाया गया है कि ये तारीख का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है इस प्रोजेक्ट के बारे में? अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मजीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक बा आसानी पहुँच सकें।